कि पेड़ों में जान नहीं होती, दिल नहीं होता, अरमान नहीं होते, मगर सच तो ये है कि वो भी बच्चों की तरह कभी खुश तो कभी उदास होते हैं। हाँ, जैसा हमारी कहानी का कैद का पेड़। बस क्या कर रहे हो यार, बंद कर दूँ लाइट। लच्छू, जी डॉक्टर
छीननी है। इससे बढ़िया चाहे तो मेरी लच्छी बनाती है घर में, लेकिन मेरी तो डॉक्टर साहब है, मेरे को क्या। डॉक्टर साहब लच्छू तुम टाइम से क्यों नहीं आते? अरे डॉक्टर साहब टाइम से कहा आना, जो आपका ये टी शर्ट है ना ये तो टूटा हुआ है। टूटा हुआ मत बोलो इसे लच्छू, ये गिफ्ट मुझे लेडी डेफरिन ने दिया था, ये मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। डेफरिन जिसका नाम आप रोज लेते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बड़ी ऑफिसर थी लच्छू, मैंने उनका डाइजेशन का इलाज किया था। डिजिशन? अरे ये क्या हुआ डॉक्टर साहब ये डिजिशन? यू इडियट बदहज़्म हुई। अंग्रेजों को ही होती है बदहज़्म हुई। अरे ठीक तो हो गई थी डॉक्टर साहब वो डबरी मैडम। ऑफ कोर्स लच्छू इलाज मैंने जो किया था। अरे डॉक्टर साहब होनी तो बड़ी बाकी वो डबरी मैडम। बाकी क्या बाकी? अच्छी डॉक्टर साहब अच्छी। अरे लच्छू लेडी डेफरिन की तो बात ही कुछ और। Thank you.
पता है क्या है, नृत्य एक श्रेष्ठ कला और मैं अपनी युवावस्था में उत्कृष्ट कलाकार था। वो तो ठीक है ना जी, पर हम यहाँ नृत्य करने नहीं वर्दी की धौंस दिखाने आए हैं जी। क्या मेरा मतलब काम के लिए जनाब? वहाँ हम तो यहाँ कार्य हेतु आए हैं, तुम सावधान रहना चंदू। जी सर। का नाम क्या है? लच्छू है जी, शिकायत करता का नौकर। अच्छा लच्छू, 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 ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे आए थे ना जी, नाच रहे थे जी यहाँ पे। वाह, एक मालिक है जो इन बच्चों की शिकायत हमसे करता है और एक ये नौकर है जो खुद बच्चों के साथ संलिप्त है। नंदू जी सर, क्या किया जाए इनका? इन बच्चों के साथ इस नौकर को भी एक रात हवालात की सैर करानी चाहिए। हाँ जेल। हाँ जेल। लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी काका। देर नहीं छोटे मालिक, आपने तो बहुत ज्यादा देर कर दी। पापा ही कहते थे ना, काम काम और सिर्फ काम करो, कोई खेलकूद नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, गोरों के बनाए हुए कायदे कानून मानो। गोरों को तो बहुत मानते थे जी, कहते थे रूल और डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसिप्लिन में भी रहते थे जी। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जिसने मुझसे मेरा बचपन छीना, जिसने मुझसे मेरी जवानी छीनी और आखिर में एक इंसान से एक मशीन डाल रहा। मुझे पापा एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो काका मैं एक काबिल डॉक्टर बना। जी बड़े डॉक्टर बने आप, मगर एक काबिल इंसान और एक काबिल बेटा नहीं बन पाया। मुझे बचपन में पापा का प्यार और वक्त नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में पापा को संभालो झूठे वाले, संभालो। अपने आखिरी वक्त में क्या कहा उन्होंने? आखिरी वक्त में तो यही बोला था जी, ये बच्चे यहाँ खेलने आते थे ना जी, लेकिन ये बड़े मालिक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और बड़े मालिक उस दिन इस बात पर बहुत ज्यादा बढ़ गए और कहने लगे मेरी और मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है,
फिर क्या था जी, बच्चों की शिकायत पुलिस वालों से कर दी, और वो जैसे पुलिस वाले आए ना जी, पुलिस वालों को देखकर वो बच्चे गिड़गिड़ाने लगे, अंकल अंकल माफ कर दो अंकल, आज के बाद नहीं आएंगे अंकल। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। फिर क्या था जी, जो बड़े मालिक की तबीयत सुबह से खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई। आखिरी वक्त में तो यही बोल रहे थे जी की उन्हें वो बच्चे इस बाग में वापिस चाहिए, ताकि वो अपना और आपका बचपन जी सके, जो बचपन आपने और बड़े मालिक ने नहीं किया। जाओ काका, उन बच्चों को यहाँ लेकर आओ। सच्ची? हाँ काका, अभी बुलाऊंगा, चिंकू को भी बुलाऊंगा, टीसू को भी बुलाऊंगा। चलो छोटे मालिक चलते हैं। देखिए काका देर हो रही है। चलो चलो। लेके जा रहे हैं। किधर? हरिद्वार। हरिद्वार? लेकिन